नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो गपशप। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, और अगर ठीक नहीं है तो आप सब हमारी बातें सुनकर हमें देख के ठीक हो जाएंगे। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। माय नेम इज यूनुस खान एंड आई एम नॉट अ क्रिकेटर। और मैं शो का जो है वो डायरेक्टर हूँ। अनफॉर्चुनेटली थोड़े से चीज़ें थी जो हम चाह रहे थे और मजीद चीज़ों को जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें। तो गपशप जो हमारा शो है, हमारी एक कोशिश होती है, हमारी एक ख्वाहिश होती है कि जो भी गपशप हम इस शो के अंदर करें वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो, चूंकि करंट अफेयर पर हर कोई बात करता है। लेकिन करंट अफेयर्स पे आप अपना टेक क्या देते हैं, मतलब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जो हमारे शो का जो मकसद है वो यही है कि जो यूथ है, जो एक मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है किसी भी खबर को लेके। तो आज मुझे इन्होंने, इनकी पुरजोर फरमाइश पे जो है इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। थैंक यू ऑल, थैंक यू। हमने आपको बहुत टाइम से कह रहे थे कि आप हमारे शो पे आए, मतलब आप हमारे शो पे तो होते हैं, हमें डायरेक्ट कर रहे होते हैं, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज मैं एटलीस्ट हम सब इंक्लूडिंग बड़े नर्वस हैं, बिकॉज़ डायरेक्टर के साथ वी आर एट, यू नो, एट दैट पॉइंट। मुझे तो ये फीलिंग आ रही है कि कैप्टन ऑफ द शिप हमारे साथ है, तो आज हमारी कश्ती की जो नैया है वो पार लग जाएगी और हम जो बातें करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे लोग हमें जब देखते हैं तो हम थोड़े से नर्वस होते हैं, कान में भी हमें आवाजें आती रहती है, हमें अपने एक एक लफ्ज पर बड़ा गौर से जो है वो प्रोनाउंस करना पड़ता है, क्योंकि एक आवाज होती है जो आपके कान में गूंजती, वो होती है हमारे डायरेक्टर साहब की, और आज हम आपको जो है वो बराह रास्त उस आवाज से मिलवा रहे हैं। अच्छा साहब, आपसे एक सवाल है। जी जी। क्या आपने जब ये शो बनाया सोचा? कितने रुपए का सवाल है पहले? सर हम आपको दुआ दे सकते हैं, पैसे नहीं। अच्छा, सवाल ये है कि आपने जब ये शो बनाया, आपने जब कंसीव किया, आपके पीछे भी बहुत सारे शोज होते हैं और एंटरटेनमेंट चैनल पे करंट अफेयर्स का प्रोग्राम नहीं होता, तो व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दिस शो? देखिए, ऑडियंस को जरा जो सबसे पहले जो मास्टरमाइंड है ना, जो इस पूरे शो को जिन्होंने डिजाइन किया है, वो हमारे बॉस है आरिफ अली शाह बुखारी साहब। वो ये चाहते थे कि किसी कुछ यूनिक किस्म का शो करें, मतलब होल सोल सारी उनकी क्रिएटिविटी है ये, और काफी ज्यादा इन है वो इस शो को लेके। तो इस शो का बेसिक मोटो यही था कि जी हमने करंट अफेयर पे तो बात करनी है, बट थोड़ा सा लाइट मूड में करनी है, और जो भी बात हम करें वो बड़ी इंटेलेक्चुअल हो, ना कि हमें बोंगियां मारें और ऐसे रैंडम चैनल्स पे होता है, मतलब ठीक है हो सकता है, मतलब थोड़ा सा हार्श हो जाएगा किसी के लिए क्या, लेकिन हम चाह रहे थे थोड़ा मीनिंगफुल शो हो, मतलब ये ना हो कि जी करंट अफेयर की बातें हो और सिर्फ जो है ना वो बस लंबे लंबे पैराग्राफ चल रहे हो, थोड़ा सा हंसी मजाक हो, थोड़ा मूड लाइट हो, और हमने थोड़ा सा पैटर्न भी आपको पता है चेंज किया, टैलेंट को अभी जगह दी है, सिंगर भी आ रहे हैं, कॉमेडियंस भी आ रहे हैं, मोस्टली जितने भी टैलेंट है हम चाहते हैं उसको शोकेस करें। तो आइडिया सिंपल यही है कि लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है थ्रू, मतलब कोई ऐसी चीज ना हो कि जी बड़ी भारी चीज दे दी, बड़े लाइट मूड के अंदर रह के हमने बड़ी भारी बातें करनी है। अच्छा सर, जैसे यूनुस ने आपसे एक सवाल पूछा, मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपको जब पता चला कि इस तरह का शो डिजाइन कर रहे हैं, बॉस इस शो को लेकर बहुत सीरियस है डे वन से, लेकिन साथ ही साथ जब आपने देखा कि सब जो है यंगस्टर्स, लाइक सब यंग है, तो एक यंग पर्सन से अगर कोई शो देख रहा होता है तो उसके माइंड सेट को अक्सर लोग ना उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि अभी अगर ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स भी लेकर आएंगे तो इन की बचकानी कोई बात होगी, मतलब ये सारी चीजें जो आप हमारे अंदर देखते हैं कि आप हमेशा ये कहते हैं कि व्हाट यू बिलीव वो आप बोलो, लेकिन अगर हम कुछ बिलीव करते हैं तो कुछ चीजें हमारी बाउंड्रीज होती हैं कैमरा को लेकर, वो हम नहीं कह सकते। तो वो जो है ऑडियंस को आप बताएं कि उस टाइम आप पे कितना प्रेशर होता है, क्योंकि आप है कैप्टन ऑफ द शिप, हम तो बोलेंगे लेकिन लोग आप। मेरा थोड़ा सा इस पे मानना थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि जब यूथ कोई भी बात, कोई यूथ में कोई इंटेलेक्चुअल कभी भी बात होती है ना, और सही बात होती है, ऑथेंटिक बात होती है, तो उसको अप्रिसिएशन मिलती है। अगर तो आप अच्छी बात करेंगे, ऑथेंटिक बात करेंगे, तो आपको उससे जो है ना घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, मेन पॉइंट क्या है जी इस शो को लेके, कि जी एक खबर, लेट सपोज पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है ना, अब इस पे आप शोज तो देखते हैं बहुत सारे कि जी तनकीद 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 सारा सारा कुछ हो रहा है, बट कोई उसको अच्छा वे नहीं बता रहा होता यार कि इसमें ये हो रहा है, सोल्यूशन नहीं दे रहा, सोल्यूशन नहीं दे रहा, और दूसरी सोल्यूशन भी ऐसा, हमारी जिम्मेदारी ऐसा नहीं है सोल्यूशन देना। मेरा जो मोटो है, जो मैं सोचता हूँ कि आप एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि आप क्या सोचते हैं, मे बी आप अगेंस्ट हो 10 रुपए बढ़ने पे, 12 रुपए बढ़ने पे, मे बी आप फेवर में हो, मे बी इंटरनेशनल मार्केट कुछ और कह रही है, आप कुछ और सोच रहे हो, जो सीट पे बैठे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो कुछ और सोच रहे हैं, तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कैमरा बाउंड्रीज,
कैमरा बाउंड्रीज का तो ऐसे कोई मतलब वही है कि जो लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, आई डोंट थिंक सो कैमरा की कोई एसएच बाउंड्री है। बात आपने पहुंचानी, आप ऐसे पहुंचाएं ऐसे पहुंचाएं, अच्छे तरीके से भी पहुंचा सकते हैं, आप ह्यूमरिस तरीके से भी बात पहुंचा सकते हैं, बुरा ना लगे। आई वांट टू ऐड आपके जवाब में कि जो यूथ है हमें रिलेट कर रही है। आप अगर आपने देखा अर्शद मलिक साहब के बहुत सारी मीम्स बन रही हैं, बहुत सारे लोग हमारे यूथ पे हमारे शोज के सीन काट के जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे थे किसी टॉपिक पे, कोई सीरियस टॉपिक भी होता है वो काट के लोग वायरल कर रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन ये कि कहीं ना कहीं यूथ हमसे रिलेट कर चुकी है, माशाल्लाह से दे अप्रिशिएट। एटलीस्ट हमें इंस्टाग्राम्स पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपने इस टॉपिक पे ये बात सही नहीं की, डिसएग्री भी हो रहा है और एग्री भी हो रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई जस्ट वांटेड टू ऐड, बस मेरा तो यही इस पे कैमरा बाउंड्री की जो मैं इसको और थोड़ा सा मज़ीद इसको डिस्क्राइब करूं, आप दुनिया की हर बात कह सकते हैं तहजीब के साथ। अनमू मकसूद साहब से किसी ने पूछा कि हमारे सियासतदानों को कैसे चुना जाए, तो उन्होंने कहा था कि जी जैसे जो है ना अनारकली को चुना गया था। यानी आप बड़े अच्छे तरीके से भी चीजों को बता सकते, जरूरी नहीं कि आप चीखें चिल्लाएं जी बड़ा करंट अफेयर का शो लेके आए और बड़ा चीखना जी आंसर मी मुझे जवाब चाहिए, ये पॉलिटिक्स ये सियासतदान ये, आप बड़े ह्यूमरस तरीके से बड़ा सटायरिकल वे में आप शो को लेके चल सकते हैं, तो आई थिंक फिर उसमें कोई बाउंड्री ऐसे नहीं होगी। आपको हमारे शो का पता है बिकॉज आपने डिजाइन किया है फॉर्मेट, तो हम लोग न्यूज पे डिस्कस करते हैं, तो एक टॉपिक है अगर कोई ऐड करना चाहता है टॉपिक स्टार्ट मैं कर लूं वरना आप कर लें अगर आपको करना है। अच्छा आप अर्शिया लेडीज मैं कर लूं? जी 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 ओके बात हमारी कंप्लीट होगी। आप मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज आप लोगों ने ना क्या मेरी बात अर्शद नहीं बात कंप्लीट नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि अर्शद सर का आप लोगों ने ना मतलब इंटरव्यू लेना है आज पूरा स्टार्ट कर दिया अर्शद सर का, ये कि क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमें नहीं पता होती कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है इनका हाथ है। हम अक्सर कोई बात होता है मुझे बहुत मसला होता है, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं मैं कोई भी ऐसी लेकर आती हूं तो मैं फौरन से कहती हूं अर्शद सर मैंने कैसे किया। वो इसलिए नहीं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि जो बात मैं कर रही हूं उसमें मैं कॉन्फिडेंट, उसमें ये कि जो इनका एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारा ऑडियंस, इट्स अ टीम वर्क। एक चीज मैं सिर्फ लास्ट ऐड कर दूं फिर उर्शी आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने बहुत काम किया इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा चीजें देखी, बेशक बट सीरियसली बताऊं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे इंक्लूडिंग अनम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद आपसे यकीन करें कैमरे के पीछे बैठ के मैं खुद काफी इंस्पायर्ड होता हूँ और हैट्स ऑफ टू यू गाइज कि आप इस शो को इतना ज्यादा जो है ना मोटिवेट कर रहे हैं, इतना ज्यादा लोगों को आगाही दे रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से भी आप सबको सलाम। थैंक्स टू बॉस एंड थैंक्स। मैं भी एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि आप हैं या हमारे आसिफ प्रोड्यूसर हैं, आप दोनों एज अ माँ बाप की तरह हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप लोग अगर नहीं होते, कोई और भी होता हमारे सर पे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे तरीके से आप लोग हमें गाइडलाइन देते हैं। इतना डिस्क्राइब कर दें कि आसिफ माँ है एंड प्लस उस दिन कंप्लेन कर रही है आप दोनों की क्या यार आज मम्मा पापा ने पॉकेट मनी नहीं दी। मनी का जहां तक ताल्लुक है वो मंथ के एंड में। सीरियसली मतलब दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने हमारे शो को नहीं बल्कि जितना भी यहाँ पर एक टीम चल रही है उसको आप सारी अच्छे तरीके बहुत शुक्रिया। बस हमने यही कहना था, दोनों ने आपस में यही कहा था कि आप थोड़ी मेरी तारीफ करें। जो है वो ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि मैंने बहुत मुख्तलिफ चैनल्स में जो है वो काम किया, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पर आकर लगी वो ये है कि जब चाय मिल जाती है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, गनीमत है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जब डायरेक्टर होते हैं ना जो भी डायरेक्टर उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है तो वो इरिटेट बड़ी जल्दी जो है और जिस तरह वो इरिटेट होते हैं ना तो तमाम चीजें वो अपने होस्ट पर एंकर पर निकाल रहे होते हैं, ये ऐसे करो ये ऐसे करो, आप गलती की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन ये मैंने पहला चैनल देखा है जिसमें आपको इतने क्यूट से और हैंडसम से इतने सपोर्टिव आपको टीम मिली है। सीरियसली तारीफें हो गई, शो की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास एक छोटी सी न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि नॉर्मल लड़कियों की खवातीन की शादी होती है तो सरनेम चेंज कर लेते हैं ना, शोहर के नाम पे कन्वर्ट किया जाता है, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के नाम और फिर उनके जो भी प्रॉपर जो पेपर्स होते हैं वो नहीं आप लोगों के बन पाते। तो नादरा ने आप लोगों को ऑप्शन दिया है कि आप लोग शादी के बाद आप लोग सरनेम नहीं चेंज कर सकते, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग चेंज करना चाहें। हाँ ये औरतों के लिए मैं बात कर रही हूँ, लोग अपनी मदर के नाम पे जाते हैं। हाँ सर वो है हमारे एक
पड़ोसी मुल्क में संजय लीला भंसाली मगर ये है कि जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने बाप से बहुत अटैच होती हैं, उनका दिल नहीं करता कि वो अपने मतलब हस्बैंड का नाम रखें और वो सब चीज़ें, वो चाहती हैं कि मैं अपने बाप के नाम से ही आगे भी चलूं। तो जो जो लड़कियां पसंद करती हैं वो कर सकती हैं। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि औरतों के पास खुद के पास चॉइस है कि वो अपना सरनेम नहीं चेंज करना चाहती तो हैप्पीली वो अपने ही सरनेम के साथ। अब कोई प्रेशर नहीं है, मतलब अब आपको हस्बैंड की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, अब डॉक्यूमेंटेशन का कोई नहीं। आप भी करवाएंगी क्या? फ्यूचर प्लान है आपके? मतलब कायनात आप बताएं, इफ यू गेट मैरिड समहाउ तो आप चेंज कराएंगी नाम? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे मेरे हस्बैंड का नाम अच्छा लगेगा अपने साथ, और मैं चाहूँगी क्योंकि मेरे जो आगे लाइक यू नो फ्यूचर में बच्चे होंगे तो उनके साथ डेफिनेटली मेरे डैड का तो नाम नहीं लग सकता ना, उन्हीं के डैड का नाम, तो मैं तो चेंज करवा लूँगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ ब्रेक पे जाने से पहले, मेरी सिस्टर की जिनसे शादी हुई है उनका और मेरे डैड का नाम सेम है। ओह तो चेंज करवाना ही नहीं पड़ा लड़कियों के लिए कि अगर आप शादी करना चाहती हैं तो उसी लड़के से शादी कर लो बाबू के नाम पर। और इसी बात पे आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हमने आपके मजीद हम डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि शो का फॉर्मेट वगैरह आपको सारा पता चल गया, लेकिन उर्शिया ने जो बात बताई कि अब आपके पास ऑप्शन है, लड़कियां अगर चाहें तो अपना सरनाम नहीं मतलब सरनेम नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको शादी का इतना प्रेशर नहीं था मेरे नाम का, क्योंकि मैं बचपन से अपने डैड का नाम अपने साथ सुनते हुए आई, तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ सेंटी हो जाती हैं। बिल्कुल, शुक्र है कि ये यहाँ पर। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी यूनुस और सर आपसे पूछनी थी कि बाहर भी ये ऑप्शंस तो शुरू से दिए हुए थे ना कि वो बाहर तो ये बाहर नहीं था, मतलब इवन मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि हमारे दीन में भी ये नेसेसरी नहीं था शुरू से कि आपने जी हस्बैंड का नाम, ये तो रियासती कोई मामला था जिसकी बिना पे जो है ना इसको चेंज किया गया, जहां तक मेरा मैंने जो पढ़ा है, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, कि मतलब दीन में भी प्रेशराइज नहीं किया गया जी आप शादी के बाद अपना नाम जो है ना चेंज करें। आई हैव सीन पीपल जो रजिस्टर कर भी लेते हैं अपनी शादियां, उसके बाद भी लड़के नाम नहीं चेंज करती, और उसमें ये नहीं कि वो कोई पसंद या ना पसंद, टाइम नहीं होता, दस चीजें होती हैं, मगर मसला ये आता था मानते थे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि काफी लोग ऐसे हैं कि महामामिर जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, तो वो गाड़ी में बैठी तो मैंने उनसे कहा कि हाय अस्सलाम वालेकुम आप महामामिर है ना, तो बहुत सारी सेट पे ऐसे बात हुई कि अब तो आपको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, अब्बा का नाम हटा के हस्बैंड अब आप महम फैजान बन जाए, उनकी एक नाम एक मतलब उन्होंने एक नाम ही उससे कमाया, महम आमिर से सब उनको जानते हैं। लेकिन लोग अभी भी ये अगर कहने की बात है कि काफ़ी लोग हैं जो लिबरल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, काफ़ी लिबरल हैं, ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन उन्हें अभी भी औरतों से यही उम्मीद होती है उनकी जो खास तौर पर स्पेशली बहुएँ जो सासू माएँ होती हैं वो कहते हैं प्लीज़ अपना नाम चेंज करें। हालांकि आप देखें तो क्रिकेटर जो हमारे हैं शुएब अख्तर क्रिकेटर हमारे जो है शुएब मलिक, उनकी जो वाइफ है उन्होंने उन्होंने भी नहीं चेंज किया। नहीं, अगर शुएब मलिक चाहे भी ना तो कभी नाम चेंज नहीं करेंगे। ऐसा है? हाँ वैसे ऑब्वियसली बेगम उनका मैं आपको बताता हूँ, रिसेंट उन्होंने एक शूट किया, फोटो शूट किया इंस्टाग्राम पे विद अ टॉप नॉच एक्टर हमारी आयशा उमर के साथ। जी 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 जी। उसके बाद कोई हफ्ता दस दिन हो गए कि कोई पोस्ट नहीं आई। सो लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या हुआ मामला। ठीक है, मोहब्बत शादी शुदा का जो मैं कहानी अगर मैंने देखी है ना, मियाँ बीवी का एक वो रिश्ता होता है कि एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन और ये एक एक्सपीरियंस इंसान टॉम एंड जेरी वाला है थोड़ा टॉम एंड जेरी और दूसरा ये नाम का जो बात है ना, मुझे लगता है ये इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, हम हर सबको नहीं कह सकते कि वो फोर्सफुली जो है वो चेंज करती, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका ख्वाब होता है कि हमारी जिस इंसान से हम बहुत मोहब्बत करते हैं हमारी उससे शादी हो एंड देन हमारा नाम जो है साजन के घर जाना है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं, सारी लड़कियां हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, आप छोटी उनसे पूछिए दुल्हन बनोगे। हाँ। कुछ लड़के भी होते हैं जो कहते हैं क्या बनेंगे आप, इंजीनियर डॉक्टर नहीं दूल्हा बनेंगे। लेकिन लेकिन मैं कुछ एक बच्चा है मेरे पास बड़े को क्या बनेंगे, बोले आदमी। अच्छे इंसान बन जाइए काफ़ी है। अच्छा अच्छे इंसान से मुझे ना एक बात करनी है, मैं चाह रही थी कि ये करंट अफेयर का तो रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा टॉपिक है कि मुझे अक्सर इस तरह की न्यूज़ जब मैं सुनती हूँ या मैं पढ़ती हूँ तो मुझे होता है कि मैंने एटलीस्ट
डिस्कस करनी है, क्योंकि मैं कुछ भी अलाउ कर सकती हूँ. हमारे पाकिस्तान और हमारी कौम को अगर कोई नीचा दिखाए तो ये हम सब का एक खून खोलता है. और ये बात वही है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है. आप भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो ठीक है, वो आपके जज्बे, लेकिन जज्बे में आती है बात पॉजिटिविटी की. आप किस हद तक अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और सना हम बात कर रहे हैं तो हम बात करें तहजीब. अगर हमारी किसी बात पर बहस हो गई, अगर मैं इनसे एग्री नहीं करती तो ये मुझे गालियाँ या मेरे साथ नाजेबा गुफ्तगू नहीं करेंगे और मैं भी ये नहीं करूँगी. हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उनके ऊपर जब कोविड का टाइम था, मुसीबत आई थी, तो पाकिस्तानियों ने काफ़ी मदद की थी. मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे थे सर जो बहुत एंटी इंडिया थे, मतलब लाइक एंटी इंडिया होने के बावजूद वो पोस्ट लगा रहे थे कि अल्लाह वहाँ पे रहम फरमाए. हमारे यहाँ एंटी इंडियंस नहीं है, वो जो जो लोग है ना पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, जो जो वो बिल्कुल घुमा रहे हैं मुल्क को हमारे लिए, उनके खिलाफ है. हम लोग वैसे हम नाम ले सकते हैं मेरे ख्याल से. नहीं, एंटी इंडियन की बात ये कि जो लोग हमारे मुल्क के ऊपर या दहशतगर्द हमें कहते हैं मत, तो हम उनकी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ एक फिल्म स्टार कंगना रनौत की. वैसे भी आजकल वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहना उनको बहुत पसंद है. वो वहाँ की मीरा जी है, पता है. मैं इस बात से ना आपकी एग्री नहीं करती. मीरा जी को मैंने कभी नहीं देखा कि वो बेचारी अपने भोलेपन में, मासूमियत में अच्छा ही बोलती हैं, लोग उस बात को पकड़ लेते हैं. लेकिन कंगना बिल्कुल मासूम नहीं, उन्हें पता है कि वो क्या गेम प्लान करेंगे. जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से वो बीजेपी की बिल्कुल पपेट बन गई है. और उन्होंने एक मूवी की है, मैं उस लीडर को बहुत पसंद करती हूँ, और वो लीडर, वो फीमेल लीडर जिनका नाम है जयललिता. जयललिता को यकीनन जो लोग जानते हैं, उन्होंने 14 साल से भी ज्यादा हुक्मरानी की है. वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, और 16 साल तक उन्होंने, मतलब ये बात है कि 16 साल तक आप एक जगह की, लाइक यू नो, आपके पास हुकूमत थी और आपने इतनी अच्छी चीज़ें की कि तमिलनाडु में उनके बहुत बड़े बड़े स्टैचूज हैं, और मुसलसल 6 साल, मतलब 6 बार, मुसलसल 6 बार जो है वो चीफ मिनिस्टर रही है. ये बहुत बड़ी बात है. एक तो ये कि एक लेडी मिनिस्टर, मतलब एक औरत हुक्मरानी कर रही है, मुझे एक ये चीज़ बड़ी उनकी इम्प्रेस की. और दूसरा, वो वाकई एक सच्ची लीडर थी. ऐसी लीडर की बायोग्राफी अगर आप देखा जाए तो वो कंगना रनौत ने कैरेक्टर प्ले किया है. अब एक इंसान खुद इतनी नेगेटिविटी रखता है, चलें ठीक है, उन्होंने मोस्ट पॉजिटिव पॉलिटिशियन का कैरेक्टर उन्होंने मूवी में प्ले किया, ठीक है, हो गया. जैसे कि सबको पता है कि कोविड के बीच में पाकिस्तानियों ने भी नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखी, सीरीज देखी, हद ही कर दी. मतलब नेटफ्लिक्स को हमने भी इतना बिजनेस दिया लेकिन 10 नेटफ्लिक्स का एक है कि वो सीजन चलाएं या मूवी चलाएं, जो टॉप 10 मूवीज होती हैं, सीरीज होती है, उनकी रैंकिंग आती है और कहाँ वो सबसे ज्यादा देखी गई है कंट्री, यहाँ तक वो बताता है, ठीक है. अब कंगना रनौत को इस बात पे भी प्रॉब्लम हुई कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मूवी को पसंद किया तलाइवा, और तलावा मूवी को पसंद करने के अलावा हमने अगर मूवी पसंद की है ना तो उस पॉलिटिशियन पे, कि मैं अभी भी बात कर रही हूँ कि वो सच अ लाइक यू नो अमेजिंग, मतलब शी वाज अमेजिंग लीडर, और हैट्स ऑफ टू हर के 16 साल कंटिन्यूसली एक तो उन्होंने हुक्मरानी की और इतना अच्छा काम किया कि लोग आज भी उनको याद करते हैं. और आपको पता है कि उनकी डेथ जो हुई है 2016 में हुई है, तब भी वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी. अच्छा, ठीक. लेकिन कंगना ने ट्वीट किया, और ये ट्वीट यकीनन आप हम चलाएंगे और आप देखेंगे कि कंगना ने कहा, ओ मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में भी बहुत गद्दार. मतलब हमने आपकी मूवी पसंद की, हम आपकी एक पॉलिटिशियन की तारीफ कर रहे हैं और हम उस मूवी को अप्रिशिएट करें कि सच अ लीडर, मतलब क्या उन्होंने काम किया, क्या उनकी ज़िंदगी 16 साल कंटिन्यूसली उन्होंने अपनी नींदें हराम कर दी, अपना चैन अपने लोगों के लिए. हमने अप्रिशिएट किया आपको. प्लीज़ कंगना जी, मतलब मुझे पता है कि आप अभी भी नहीं सुधरेंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो शरारत करते ही करते हैं, क्योंकि वो पपेट होते हैं. और मैं अपना पर्सनली बीइंग अ आर्टिस्ट कहूँगी, एक आर्टिस्ट को एंटी नहीं होना चाहिए. एक आर्टिस्ट को हमेशा सबके लिए मोस्ट वेलकम, वो कहते हैं ना, सबके लिए दिल खोलना चाहिए, सबको खुशामदीद कहना चाहिए, क्योंकि हम ही आपको स्टार बनाते हैं. Exactly. ये सरहदें नहीं होती, टैलेंट में कोई सरहद नहीं है. कोई इंडिया पाकिस्तानी मोहब्बत देखें करें. मैंने स्टार्ट में ही कहा कि मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तभी मैं जब ये इस तरह की न्यूज़ सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं बात करूँगी. आपको पाकिस्तान में बहुत प्यार दिया जाता है, पाकिस्तान काफ़ी टैलेंट को सपोर्ट करता है, मूवीज़ हमें अच्छी लगती हैं. बजरंगी भाईजान एक मूवी थी, वो इंडिया पाकिस्तान, मतलब इतनी अच्छी थी कि इंडिया में भी उतनी हिट हुई, पाकिस्तान में भी इतनी हिट हुई, बहुत अच्छी म्यूचुअल थी वो. तो अर्शद सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमेशा हमें समझाते कि एक आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है. देखिए, मैं तो सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करूंगा. ये एक मेंटालिटी का इशू है. कंगना को तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वो
उसके ऊपर देखें, कभी भी याद रखें, कभी भी कोई इस तरह का स्टेटमेंट देता है ना उस पर कभी भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। उसकी वजह ये कि कोई भी सेंसिबल आदमी ना ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता, वो बीमार है बेचारे। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बीमार है, उसके लिए दुआ करें। गेट वेल सून कंगना। और जो प्यार है ना उसमें कतई ये नहीं लिखा कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे एंटी होने के लिए उसके उसको गाली देनी पड़ेगी। जी जी जी, प्यार तो ये कि आपने एक्सप्रेस करना है किसी भी, अगर आपने हुब्बुल वतन है, अगर आप अपने कंट्री से ज्यादा प्यार करते हैं तो आपने लव शो करना है, ना कि साथ वाले जिससे उसके मसले चल रहे हैं उसको हेट शो करना है। आप अपना प्यार करें, आप अपने देखें, फिल्म एक इतना बड़ा मीडियम है, विजुअल्स का इतना बड़ा मीडियम है कि जिससे आप रिश्तों में मिठास ला सकते हैं, जिससे आप बड़ी बड़ी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसे भी कुछ कंट्रीज हैं जिसमें विजुअल सोशल मीडिया के थ्रू इनकलाब आए हैं। तो अगर आपने फंडिंग, अगर उनकी जो भी एक्स वाई जी उनको फंडिंग करते हैं, अगर उनका दाना पानी इसी पे चल रहा है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना, बकवास करना, तो वो आई थिंक गलत है। आप अपना पैसा पॉजिटिविटी में लगाएं ना, आप प्यार स्प्रेड करें, पॉजिटिविटी में बहुत ताकत है। स्माइल करें, आप मुझे स्माइल करें, आपको स्माइल मिलेगी, आप बेहतर हो जाओगे। इतनी बड़ी लीडर के बारे में आपकी बात में कि देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स पे टॉप ट्रेंडिंग में आई हो तो अभिनंदन को सब जानते हैं पाकिस्तान में, उसकी वीडियो सबने देखी होगी। दैट डजंट मीन कि वी लाइक हिम, सो इन अ वे कि वी डोंट लाइक, शी इज अ गुड एक्टर। अब्दुल कलाम आजाद जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक क्या थे वो, इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे, देखे ना, हम उस पर्सनैलिटी को वो करते हैं ना, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको इतना नेगेटिव ले ले। अगर आपकी फिल्म को पसंद किया गया तो उसके पीछे आपकी पीछे जो है ना स्ट्रगल भी थी। जी आपका प्लस ऋतिक रोशन का जो स्कैंडल हुआ, ऋतिक रोशन ने ऑन कैमरा बोला, मीरा से कंपेयर की अगर बात करें, मीरा तो बहुत स्वीट है। मीरा तो बेचारी अटेंशन सीकिंग की बात, अटेंशन सीकिंग की भी लेवल होते हैं। मीरा क्या है जी, आपको क्या खाना है, मुझे एमसी डॉनल्ड्स। मतलब मीरा कहीं खाने जाती है, प्लीज सॉन्ग्स आर वॉकिंग वेरी नाइस। उसका उसका मतलब ये होता है, देखिए पॉजिटिविटी है ना, स्माइल, आप खुश होते हैं, खुश होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी आपके सारे जितनी भी चीजें वो सब सड़ जल जाए, ऐसा कहीं से कमेंट्स नहीं आता। सर हमें भी ऐड समथिंग, सर हमें कंप्लीट करना था पॉइंट कि ऋतिक रोशन के साथ उनका स्कैंडल हुआ और उन्होंने खुद बोला कि चार चार पेजेस की ईमेल भेजती थी कंगना ऋतिक रोशन को। सो ऋतिक रोशन तब बोल रहा है, उनका एक्टर बोला कि पागल है, तो हमें तो मेंटली सेक है। लेकिन मैं ये रीजन बता दूं कि कंगना की वजह से इस मूवी को लाइक नहीं किया। मैं अब दोबारा वही बात करूंगी कि ये जो खासनैलिटी जो लीडर थी, उन लीडर ने जो अपनी कौम के लिए किया, हम पाकिस्तानी भी ऐसे लीडर चाहते हैं और हमने उन लीडर को बेसिकली अप्रिशिएट किया। अब हमारी किस्मत खराब कि उसमें कंगना रनौत थी और उन्होंने एक्टिंग की और हमने तारीफ कर दी, हम ट्रेंडिंग में ले आए, तो कंगना जी को ये बात भी बुरी लग गई। तो मतलब क्या हम तारीफ क्यों की, बिल्कुल ऐसा ही। और मैं आखिर में सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कंगना जी जो है, कंगना जो है उनको उनके मुल्क में भी कोई पसंद नहीं करता। हाँ। इसीलिए उनको जो है, जब ये लॉकडाउन था उनका दिमाग इतना चल रहा था, इतना चल रहा था कि ट्विटर ने भी उसे ब्लॉक कर लिया। हाँ। जी और एक चीज ब्रेक पे जाते हैं। और एक चीज है ना, याद रखिएगा, घी बड़ी ताकतवर चीज होती है, घी साथ में वो हर किसी को सूट नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही। तो चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद करते हैं गपशप। सिंगर है हमारे साथ, हमारे साथ। अच्छा सिंगर भी जी सर, सर आपको नहीं पता। ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सिंगर है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाय मरे जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके, तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो, तुम जान जाती है जब उठ के जाते हो, तुमको अपनी कसम जाने जान, बात इतनी मेरी मान लो, मान लो, आज जाने की जिद ना करो।
मतलब नहीं फील नहीं आया, मतलब वो नाम इनका जो है ना वो आतिफ शाह है। नहीं नहीं, मैं इंट्रो कराता हूँ, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये अभी नेपा से अपनी सिंगिंग सीख भी रहे हैं। Very nice. और जैसे इन्होंने परफॉर्म किया है तो तालियां तो बजती हैं। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू आकिब शाह। कैसे हैं आकिब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यार माशाल्लाह से आपकी एज क्या है? 22। यार इतनी अच्छी आवाज इस एज में। आकिब आप कहीं से सीख रहे हैं? जी मैं अपना नेपा से सीख रहा हूं। अपना नेपा ये कौन सा? इनका है ना? इनका खुद का। आपका अपना नेपा हो गया? नहीं आकिब मेरा अपना तो नहीं है, नेशनल एकेडमी ऑफ। अब मैं इनका जवाब दूं, आर्टिस्ट का हर चीज जो होती है ना वो अपना ही अपनी ही होती है। क्या ही सब आपको अभी ये बोलेंगे मैं अपना प्ले एंटरटेनमेंट पे गया था लड़की को छोड़ के। लेकिन हम लोग अपने वाले नहीं, हम प्ले वाले। अच्छा क्या गोल्स हैं लाइफ में? क्या है सिंगिंग? क्या क्यों चूज किया सिंगिंग? सिंगिंग इसलिए चूज किया क्योंकि वो अपना बचपन से शौक तो था गाने का, लेकिन वो सीखना मैंने अभी स्टार्ट किया। तो ये है कि सज्जाद अली के साथ अगर परफॉर्म कर लूँ तो थोड़ा बहुत गोल अचीव हो जाएगा। सज्जाद अली आपके रोल मॉडल है? जी बहुत हमारे लेजेंड है माशाल्लाह। गजल गजल का जी जी। आप मुझे एक बात बताएं, आप जॉब भी करते हैं या सिर्फ आप आई मीन स्टडी कर रहे हैं? स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा क्या पढ़ रहे हैं आप? इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मुझे एक बात बताएं, यूजुअली ये होता है कि सिंगिंग सीख रहे हैं आप एक एकेडमी में जाके, आप जाके उसमें परमिशन लिया अपने पेरेंट्स से पहले कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो क्या जवाब था पेरेंट्स का? नहीं वो अपने पेरेंट्स वो अपना शुरू से सपोर्टिव थे कि हाँ सीखो सीखो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल देख रही हूँ जितने भी टैलेंट यहाँ पर आए हैं और उन्होंने गाना गाया, रैप किया, सबने यही कहा कि हमारे मॉम डैड हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल है, चाहे कि चाहे आप लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो गाना आपने गाया, अभी आपने बता दिया कि रोल मॉडल आपके सजाद अली है, लेकिन गाने का जो सिलेक्शन था वही बहुत डिफिकल्ट था। और जब आपने स्टार्ट किया था, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट, प्लीज माइंड में, तो मुझे लगा ओ ये गाना तो बहुत मुश्किल, नहीं गा, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। वो जो गाना था आज जाने की जिद ना कर, ये अगर वाकई को कोई सुन लेना, अगर आपका गाना कोई तो कभी जिद ना करती, कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा ये कभी सुनाया है? अच्छा गजल, गजल को ज्यादा आप देखें, मैं अभी सिंगिंग ही हम देख रहे हैं सारा, तो मामला गानों को देख रहे हैं, गजल और फिर वो हमारे लेजेंडरी इतने बड़े इतनी बड़ी सिंगर दिग्गज, मतलब गजल और क्लासिकल फरीदा खानम और मतलब साहिबा, इनकी गजल क्यों अटेम्प्ट किया आपने? गजल मतलब वाय गजल? जी क्योंकि अपना गजल अपना है ना, गाने वाले वो अपना फिलहाल अपना इतने ज्यादा लोग अपना बचे नहीं है ना पाकिस्तान में, तो स्पेशली नहीं बचा अपना गजल। अच्छा मुझे बताएं कि मुझे लग रहा है ये किसी और चैनल से फंडेड है। ये ऐसा तो नहीं है कि आप जो है गजल इसलिए चूज किया आपने एज अपना मेन जॉनर ताकि एक मार्केट में लूप होल है, मैं वहां कैप्चर कर लूं, वहां का स्टार बन जाऊं, ये तो नहीं आपका प्लान है? नहीं नहीं क्योंकि अपना वो है, मुझसे पूछो। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ये सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन प्लान तो मेरा यही है। आपको कैसे पता ये बात? अच्छा ठीक है मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, आपकी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा, क्यों इतने आप सहमे में लग रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज क्यों आपकी थोड़ी सहमी है? आप रिलैक्स हो जाए सबसे पहले। नहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े सहमे में। अच्छा ये बताएं मोहब्बत की आपने? ये सवाल मैं जरूर करती हूँ, मोहब्बत की है कभी? अब बता दो, अगर दूसरी वाली देख रही है वही बात नहीं आप टेंशन ले ले, आप जवाब दे दे, बता दे सारे ऐसा गाना अगर गा रहे हैं तो हमारी जो एंकर नहीं मैं तो आप इनसे ये पूछे कितनी मोहब्बत कितनी मोहब्बत है टूटी है देखा टूटी है बताओ कितनी मोहब्बत है बॉय हमारा जो टूटा हुआ है अभी थोड़ा नहीं नहीं टूटी नहीं आप बताएं जोड़ने के लिए बड़ी खवातीन होती है बोलने तो दीजिए आप नहीं नहीं टूटी नहीं है बस फिर जुड़ी हुई है मोहब्बत होती है अगर इंसान सही से करे क्योंकि वो जो अपना सही से मोहब्बत कौन सी होती है वैसे? आपने मोहब्बत अपनी सिंगिंग से की है? नहीं नहीं सही से मोहब्बत कौन सी वाली होती है पहले ये बताओ। आपने कहा एक ही बार बंदा मोहब्बत करे सही से करे। कौन सी होती है सही से? अच्छा ठीक है वो नहीं जवाब देना चाहते हैं, क्यों फोर्स कर रही हैं? अच्छा मुझे बताएं कि नेपा में जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और भी हैं जो सिंगिंग सिखाते हैं और प्राइवेटली भी सिखाते हैं, आपने नेपा ही चूज क्यों किया? Because of their जो टीचर्स हैं वो भी बहुत बड़े नाम हैं क्योंकि बहुत बड़ा नाम सिखाने वाले बिल्कुल नफीस अहमद खान है बिल्कुल उबैद अहमद है तो वो हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो अगर कोई नया बच्चा मेरे नाम के भी है वहाँ पे एक हाँ जी अरशद महमूद साहब है वहाँ पे अरशद महमूद जी बिल्कुल एक मुझे बताएं कोई नया बच्चा जो सीखना चाहता है जिसको थोड़ा सा गॉड गिफ्ट तो है बट उसको पॉलिश करना चाहता है स्किल तो क्या करे क्या प्रोसीजर है? तो अपना नापा अगर उसको आना है तो वो अपना रियाज करवाते हैं 2 घंटे हर रोज रियाज होता है अच्छा।
हाँ, तो उससे उसका गला अपना काफी हद तक वो खुल जाता है, एक साल क्योंकि वो अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकता फिर तो एप्लीकेशन लिख के दे दे एचओडी को। ओह वेरी नाइस, मैंने ये भी सुना है कि बहुत मुश्किल होता है। अगर हम देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में एक ऐसे टैलेंट भी है, लेजेंड की तरफ जाए, रेशमा जी। ठीक है, रेशमा जी जो है सबको पता है कि वो कहाँ से, उनका बैकग्राउंड कहाँ से था, आप समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि जो अब मैं देखती हूँ अक्सर स्ट्रीट पर, सिग्नल पर भीख नहीं मांग रहे, लेकिन बहुत खूबसूरत आवाज में कुछ ना कुछ गा रहे होते हैं लड़की, वही बात है कि उन्हें चांस नहीं मिलता और इस तरह की अकेडमीज वो ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अकेडमी ज्वाइन करना और वहाँ सीखना और आप लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिलता है। जब आप बताते हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूट से हैं तो आगे आपको चांसेस मिलते हैं, एटलीस्ट आपको सुना जाता है। अच्छा कायना, मैं भी एक बात इसमें ऐड करूँगी कि अब हमारा जो सोशल मीडिया है वो इतना एडवांस हो गया है कि आप छोटी सी भी कोई क्लिप भी डालते हैं ना वो वायरल हो जाती है। तो लेकिन एक मतलब एक बच्चे की आवाज अच्छी, लेकिन उसने सीखा नहीं है और उसके पास इंटरनेट नहीं। अगर लेट्स सपोज अगर आपकी आवाज अच्छी है और टैलेंट अच्छा है तो आप छोटा सा भी क्लिप डाल देते हैं तो वो भी वायरल हो जाता है। वहीं से सारी चीजें जो है वो आप देख लें, टिकटॉक की बात आप ले लेते हैं, वो छोटी सी एक ऐप है, उससे कितने लोग जो है वो स्टार बन गए हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामे में आ रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, आई एम सॉरी यूनिवर्स टू कट यू, लेकिन मैं पर्सनली ये जानना चाहूंगी कि इस तरह का बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझे एक एजुकेशन भी नहीं है, कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं है और वो सीखना चाहता है, तो नापा का जो इंस्टीट्यूट है वो जाता है तो कितनी हेल्प हो जाती है। एप्लीकेशन अगर वो अपना लिख देता है तो वो अपना फैकल्टी बाकी वो अपना डिसाइड कर लेगी कि मुझे इसका अपना कोई अच्छा आप हां बिल्कुल ये जो डिसाइड करेंगे स्कॉलरशिप मिलती है। नापा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे इसमें मैं कहती हूं सिंगर्स जो निकल रहे हैं वो नापा से ही निकल रहे हैं। बताएं कि पहला जो इंटरेक्शन था आपका सिंगिंग से वो कब आपने डिसाइड किया कि मुझे इसको सीखना है प्रॉपर्ली, कौन सा ऐसा मोमेंट था आपकी लाइफ में? कॉलेज लाइफ में ऐसा था कि अब वो अपना सीखना चाहिए, तब आपने गाना गाया, लोगों ने अंडे मारे, आपने बोला नहीं यार सीख के गाना। नहीं अंडे किसी ने नहीं मारे, वो शुरू से तारीफ करते हैं लेकिन कंपटीशन क्योंकि इतना ज्यादा है तो आप अगर वो सीख लेंगे तो अभी कोई मारेगा भी नहीं, 12000 रुपए का एक होगा। अच्छा मेरे एक छोटे से एक सवाल है आपसे कि जब आपने फर्स्ट टाइम अपने घर के साथ आई मीन फैमिली में आपने जब सिंगिंग की तो उन्होंने क्या उनका क्या था व्यू, क्या उनका रिस्पांस था? उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था क्योंकि खानदान में शायद मैं सबसे अच्छा गाता हूं तो ऐसे वैसे कहते कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना भी चाहिए वैसे हकीकत बात है। अच्छा सज्जाद अली साहब के अलावा और कोई भी आइडियल है आपको, मतलब उस्ताद राशिद अली खान वो इंडिया से, मतलब ये सारे मतलब आपका गजल से ही ज्यादातर मतलब मामला ज्यादा अभी हो गया है, वरना पहले को अपनी लिखी आज तक कोई अपनी बनाने की धुन कोशिश की कोई अभी तक तो कोशिश नहीं की, कोई कंपोज नहीं किया अभी तक कुछ भी। लेकिन मैं चाहती हूँ मोहब्बत का जवाब नहीं दिया है ना इसने, इसीलिए नहीं लिख पा रहे मोहब्बत करो। अर्शद सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने गजल से स्टार्ट लिया है शायद इनका शौक भी है कि आगे इसी में आगे बढ़े, तो मुझे लगता है जितनी भी न्यू जनरेशन है या जितने भी नए बच्चे हैं जो सीख रहे हैं गाने वो पॉप या इस टाइप के रैप वगैरह सीख रहे हैं तो गजल जो है वो बहुत कम जो है वो, और इतनी अच्छी जगह है आप अगर गौर करो आज जाने की जिद ना करो और जहाँ पे वो मामला जो चलाने हैं जहाँ चीजों को लेना, एक तो इतनी मुश्किल गजल exactly. उसमें अपनी जगहें लेना मतलब वो भी अगर गलत लग जाए तो समझ और मैं एटमॉस्फेयर की भी बात होती है, आपके बचपन में एटमॉस्फेयर भी आपको मिला होगा बिकॉज आपकी 20-22 साल आपने अपनी एज बताई है, इस एज का बच्चा तो रैप ही सुन रहा है। आखिर मैं एक बात बताऊं, वैसे तो हम चारों को इतना मौसिकी के बारे में पता हो या ना, लेकिन आज जो है हमारे डायरेक्टर सर जो है हमारे साथ बैठे और इन्हें वाकई म्यूजिक के बारे में बहुत पता है क्योंकि ये खुद बहुत अच्छा गा लेते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं नेपाल में, लेकिन बहुत अच्छा गा लेते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप समझे आपकी पहली फैन की, मुझे नहीं पता आपसे पहले मुझसे पहले भी कितने लोग आपके फैन होंगे और प्ले टीवी पर आपको देखकर अब तो यकीनन बहुत ज्यादा आपको पसंद करने वाले इंशाल्लाह, लेकिन आपकी फैन की छोटी सी फैन की रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सज्जाद अली का कुछ बहुत खूबसूरत सा सुना था जी प्लीज। जे तो कदेरा भी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़िया हजार तोड़ ला मैं अपनी मुहार मोड़ ला, जे तो कदे रावी लंघ जावे होवे, जे रावी विच पानी कोई नहीं
ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बेली यार कोई नहीं, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया मोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ ला, जे तो कदेरा भी लंघ जावे। आई विश के सज्जाद सर ये सुने और वो कहेंगे कि वाकई आप डिजर्व करते हैं कि वो आपके आइडियल हो। थैंक यू सो मच आकिब, आप आए और आपने हमारे शो को चार चांद लगाए। थैंक यू सो मच, एक क्लैप करते हैं इनके लिए। एंड ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वाओ, अभी हमने सिंगिंग सुनी। यस, बहुत अच्छी आवाज सुनी। नो डाउट, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुने। बिल्कुल, सॉन्ग से याद आया कि एक मुल्क है हमारी पड़ोस में, उसको हम कहते हैं छापा फैक्ट्री। क्या होता है, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, छापा फैक्ट्री वो होता है जो किसी भी आइडिया को या चीज को लेते हैं, कॉपी करते हैं और फैक्ट्री से निकालते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क मास्टर है इस चीज में, और अभी से नहीं, 1960s, 70s, 80s, 90s, 2000s and 2010s, छापा में। सब 21 में इनका नाम भी चेंज हो गया, छापिस्तान बन गया। तो मैं कुछ गाने सुनाऊंगा, ठीक है, और मैं खुद ही सुनाऊंगा, मैं ऑडियंस से सुनाऊंगा, और हमारे अर्शद मलिक साहब है वो गेस करेंगे कि इंडियन, सॉरी नहीं, छापा कौन सा, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट लो, इंसर्ट देते रहो, सिर्फ अर्शद सर छापेंगे, छापी मतलब बोलेंगे, हम भी कर सकते हैं, जिसको छापना चाहिए, हाँ, जिसने गेस करना है करें, ठीक है, क्या है गाना आपने, कौन मैं सा? पहले आपको कॉपीड गाना सुनाऊंगा और आप लोगों ने गेस करना है कि ओरिजिनल गाना कौन सा, ठीक है, चले जी, इसकी मैं तुझे भूलना तो चाहे, अच्छा जी, ये गेस करेंगे कोई, कॉपी है ये कॉपीड गाना छापा फैक्ट्री ने बनाया है, अब ओरिजिनल गाना हमारा प्ले करूं जी। ओ खेरवी साहब, अतौला खेरवी साहब, बहुत ही अमेजिंग, ये ज्यादा अच्छा 19-20 किया है डिट्टो नहीं छापा, वो भी बड़े क्रिएटिव हैं, लेकिन लिरिक्स 19-20 किया है, डिट्टो नहीं छापा, क्योंकि डिट्टो छाप भी नहीं सकते, मुश्किल होता है, मेलोडी तो कॉपी है, ठीक है, लिरिक्स आगे पीछे कर दी, मतलब छापा ही है इन्होंने, बट दे कांट पुट, हमारा जो लेवल का सॉन्ग का लेवल होता है ना पाकिस्तानी, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता आइडिया में, लेकिन कॉन्सेप्ट तो छाप दिया ना, मतलब हमारे गाने, चलिए जी नेक्स्ट लगा दो, नेक्स्ट सुनिएगा, सुनिए, ये तो इजी है, ये तो हां में बताता, ये तो हमारा बन गया था, खान साहब का गाना है यार, खान साहब की बड़ी जबरदस्त चीज कर देते हैं, ठीक है, तीसरा गाना प्ले कर रहा हूँ, ओ ये मुझे पता है, अधिका की आनी बुए बालियां, डन हो गया बुए बालियां, अरे ऐसी बड़ी लिस्टें हैं, हाँ बहुत लंबी, एग्जैक्ट, आपको मैं गाना बताता हूँ आप पहचानो यार जी, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, मैं बताता हूँ एक इंडियन गाना छापा, क्या मैं बोल रहा हूँ, एक छापिस्तान ने गाना बनाया था जिसका नाम था मुन्नी बदनाम, मुन्नी बदनाम हुई हसीना तेरे लिए, ओरिजिनल आ गया, ओरिजिनल मैं आपको बताता हूँ, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे, अच्छा मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, बट मेरे सामने वाले बहुत, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैंने ऑस्कर लिए हैं इसमें, टाइम ही नहीं था मेरे पास शो करने का, क्या बात कर रहे हो तुम, अच्छा लेकिन अगर एक बार आप थोड़ा सा ही गुनगुना दें, मेरी आवाज आपको नहीं लग रहा है, आज इनकी थोड़ी तबीयत लग रहा है, आज ही आपकी आवाज से, आज ही मैंने जानबूझ के अपनी आवाज खराब की, मैं आपको बताता हूं ये एक आर्टिस्ट जो है ना, ये उसका ये होता है, जब तक आपके पास चेक नहीं आएगा उनकी आवाज ठीक नहीं होगी, सॉरी ये वो आर्टिस्ट नहीं, बिलीव नहीं करता, कैश दे दो, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि ये बात तो हकीकत है कि ये जो छापिस्तान है उन्होंने तो बहुत सारी ना सिर्फ गाने, हमारी जो फिल्म्स हैं उनके कॉन्सेप्ट, हमारे ड्रामे उनके कॉन्सेप्ट, सब कुछ ही छापा है उन्होंने, रिसेंट केस बता रहा हूं, अभी एक गाना आया है
गलती कर बैठा है, दिल गलती कर और बोल कफारा है हमारा एक सिंगर जो है, लेकिन बहुत बुरा छापा है बोल कफारा जो गाना उसकी कॉपी की है, उसमें कल से वो भी कर रहे हैं इंटरनेशनल शायद कोर्ट में जाएं व्हेन इट कम्स टू द राइट्स। हां लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या जुबिन भाई के पास लगता है गाने खत्म हो गए, पिछला वाला भी यही था। अच्छा लेकिन नहीं पता है आपको, आपको पता है गलती जो है ना वो जुबिन की नहीं है, उसके रीजन ये है कि ये जो मेन चीज होती है ना ये सारी की सारी जो नाम ले लूं मैं टी सीरीज एक वो है पूरा यू नो तो टी सीरीज वाले अगर आप उसके सॉन्ग्स देखें या उनकी कास्ट देखें मुझे नहीं पता क्यों टी सीरीज प्लीज अपने कास्ट तो चेंज करें, लो बजट में इतना सही इनसे गाना बन रहा है वही एक्टर आपने एक ही गाने में सेम अच्छा मुझे एक बात बताएं इसमें कॉपीराइट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं आता? अभी शायद यूनुस ने चलाया हो सकता है लग भी जाए उन पे लगे ना लगे हम पे लग सकता है। लेकिन मुझे यूनुस मुझे एक बात करनी थी अर्शद सर, लाइक फॉर एग्जाम्पल एज अ व्यूअर मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे मैंने बोल कफारा सुना और मैं फ़ैन हो गई, पहले तो मुझे खुद यकीन नहीं आया कि पाकिस्तानी गाना है ओरिजिनल वाला जो पाकिस्तानी क्योंकि बहुत अच्छा गाया, नहीं ऐसी बात नहीं पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन फिर भी हम उनका सुन सुन के हमें लगता है कि शायद वही सारे गाने हिट देते हैं, लेकिन अब पता चला कि तो छापा आस्तान जो है हमें उन्होंने कॉपी की है, कोई मुकाबला नहीं है। हमारे ओएसटी उठा के देख लें, हमारी चीज़ें कोई भी उठा के देख लें, इतने फ्रेश गाने इतना ज़बरदस्त। जी जी कंटिन्यू करें लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि बोल कफारा का अगर आप देखा जाए कॉन्सेप्ट तो वो उस टाइम सूफी था, अगर आप सुने भी और पिक्चराइज भी जो हुआ है वो सूफी, इन्होंने बोल कफारा को जो है बोल हमारा क्या होगा उसमें मोइनी राय और मोइनी राव के लटके झटके डालकर एक तो पूरा पिक्चराइज खराब, उन्होंने गाना जो है वीडियो खराब कर दी, ऊपर से गाना भी मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कोई बेस्ट दिया है। तो ये चीज़ भी कि आप नाइंसाफी करते हैं उस आर्टिस्ट के साथ जिसका एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत मेहनत के साथ और वो किसी और वे में, जब आप वो गाना सुना बोल कफारा क्या होगा तो आप एक सूफी वे में आप कहीं ना कहीं खो जाते हैं, अपनी सेल्फ गिल्टी आपको कुछ फील होने लग जाता है, अब ये सुने तो आप कहीं और ही खो जाते हैं। इसी तरह से चार दिनों का प्यार हो रब्बा इतना जबरदस्त गाना है, वो इतना जबरदस्त गाना है आप अगर ओरिजिनल सुने ना, लेकिन इन्होंने क्या बना दिया उस गाने को, और वो अपने ही गाने के चलो ठीक है आपने इंडियन वालों ने किया ना हाँ। तो उसके बाद उन्होंने एक गाना रिलीज किया, इनको नहीं इनका नहीं चला गाना, इन्होंने दोबारा से इसको दोबारा से थोड़ा और चेंज 15 साल बाद उनके बेटे के साथ लॉन्च कर वो रेशमा जी का गाना था लंबी जुदाई, तो रीमिक्स में डाला वो उसकी तो मतलब हालत ही बुरी कर दी। जैसे आतिफ असलम अर्ली 2000s में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बुरी हालात में थी, उनके बस इंडियन सॉन्ग्स वंस एंड अ ब्लू मून हिट होते थे, बाकी बहुत बुरे सॉन्ग्स होते थे। तो अर्ली 2000s में व्हेन आतिफ असलम ये राहत फतेह अली खान साहब जब ये गए वहाँ पे परफॉर्म किया और यहाँ से फिर रॉक्सन ने म्यूजिक दिया, फिर उनकी इंडस्ट्री ग्रूम हुई है, उसके बाद भी कॉपी नहीं कर रहे। अरिजीत सिंह है वो कॉपी करता है, एक था मिठून उसने तो एज इट इज आतिफ असलम को आवाज में छापा है, बिल्कुल ये छापिस्तान वाले समझ जाओ, मतलब हम ही ने उनकी हेल्प की वरना इससे पहले वो तो गरम चाय की प्याली वो आज नहीं जी 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 जो देखें फुल एज इट इज आपके ये जिनके नाम जिनका गाना आपने गाया ना अभी गरम चाय की प्याली वो खुद कोरियन गाने कितने उन्होंने उठाए हैं। अरे सबसे बड़ा एक गरम चाय की प्याली हो ये इंग्लिश का अमेरिका का सबसे बड़ा गाना है वी विल रॉक यू लेकिन उसको एटलीस्ट कुछ तो 90-20 कुछ तो वैसा जस्टिफाई कर सके ना, एग्जैक्टली 90-20 इन सेंस कि अगर आपने चेंज करना ही है तो कुछ तो उसके साथ जस्टिफाई करें उसके कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल चुराना ही गलत है लेकिन एक बात करें अब तो कितनी हम लिस्ट दिखाएंगे कितने गाने हम बताएंगे, तो प्लीज यार आई थिंक गाने जो है ना अगर चोरी हो रहे हैं तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है ये बहुत बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए कि हम इस काबिल हैं कि हमारी चीज़ें चोरी हो रही हैं और वो इतने घटिया लोग हैं कि वो भी रहे नहीं नहीं वो भी नहीं दे रहे एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दे रहे कि यार चलो कर्टिसी दे दें कि जी ये हमने यहाँ से लिया है, वो फिर भी अडेप्टेशन लेके थोड़ा सा उस तरह से मक्खन लगा के कर सकते हैं, बट आई एम ग्लैड कि हमारी इंडस्ट्री इतनी मजेदार है। देखे ना कुछ तो है तभी तो कॉपी हो रहा है ना। मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूँ, देखे इससे क्या होता है जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है ना वो मर जाता है। हाँ। अगर आपको याद हो मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ, नहीं मरता यार आप एक बात बता रहा हूँ, लेट मी फिनिश अर्शद साहब, एक कंटेंट क्रिएटर होता है जैसे फॉर एग्जांपल वो पार्टी हो रही है
जो लड़की थी उसने भी किसी को कॉपी किया था, ठीक है, एंड वाली बात है कि अल्लाह जिसको इज्जत दे जिल्लत दे अल्लाह के आगे। बड़ा बहस क्यों कर रहे हो इतनी सारी चीजों को लेके क्यों आए हो फिर, अगर ये यही बात अगर करनी थी सर आप देखें हमसे इस एटीट्यूड में बात ना करें। कॉन्फिडेंस क्या है, मैं अभी शो छोड़ के हम इज्जत जिल्लत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कॉपी करने की यानी चोरी करने की है ना कॉपी। अब वो मैं यही कह रहा हूँ वो चीज गलत हो रही है सही हो रही है, लेकिन मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप बड़े बन जाओ, चोरी कर रहे हैं बच्चे हैं बांटो यार, क्या हो गया बड़े हो आप यार, बड़े कौन होते हैं, मेरी ये चीज ले लो। आप ये बात करते हो आपकी कॉमेडी की जितनी सारी चीजें जितने भी स्केच जितने भी कॉमेडी के वो आप कभी किसी गरम मसाला में देख लेंगे कभी किसी गोलमाल में देख लेंगे तो किसी में देख लेंगे, डिट्टो चीजें छापी हुई है। गोविंदा ने कितने सीन्स वो बात उन्होंने जो की और उन्होंने वो भी छाप दी, तो लिटरली हमारे तो एक मैं छोटा तो खैर नहीं कहूंगी लेकिन एक छोटे प्लेटफॉर्म पर भी अगर कोई चीज जाती है तो वो कॉपी कर लेते हैं, इससे पता चलता है। देखिए कॉपी करने की आदत बेस्ट है, देखिए कॉपी करने की आदत जिसमें हो ना उसको आप कितना ही समझा दे वो नहीं सुनने वाले, नहीं उन्होंने अभी वैसे भी हमारा ये जो शो है ना उसका भी कॉन्सेप्ट चोरी कर देना। और सना मैं ये कहती हूँ कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, कर रहे हैं यार कॉपी करने दो, अक्ल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है तो थोड़ी सी अक्ल और ग्रो कर ले बस छापस बिल्कुल ऐसा ही। तो इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने बात की छापिस्तान पे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ओरिजिनल स्थान पे। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है एक अदद खूबसूरत सिंगर, सिर्फ हैंडसम नहीं है आवाज भी बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल बोल सकते हैं आवाज पे, बोल सकते हैं आवाज कभी भी स्मार्ट नहीं होती, मेल और फीमेल का सीन नहीं है, चले क्योंकि वो खूबसूरत है तो उसी आवाज की तरफ जाएंगे हम फौरन से। मुजम्मल हसन की आवाज और ओरिजिनल टैलेंट है। मैं तेरी आंखों में तुझे पता न चले तेरे हर पल में गुजरा हूँ, तुझे पता न चले करे तो फिर क्या करे, तेरे बिना कैसे जिए आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे खफा तो हमें पता न चले, जुदाई का मुझे गम भी है कोई ऐसी कथा न करे, करे तो फिर क्या करे तेरे बिना कैसे जिए आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे बुलाओ ना ये दिल आज टूटा है, आज टूटा है वो सच मान जाओ ना कि मौज टूटा है आज रूठा है, कोई उसे मनाए ना जाने जा कहना है तुम पास आओ ना आओ ना। यूनुस मैं कुछ कहना चाहती हूँ सीरियसली, इतने सारे यहाँ पर सिंगर्स आते हैं बहुत सारे सिंगर, आपने दिल जीत लिया अगर इतना यकीन माने, अगर ऐसा लड़का इस तरह गिटार पकड़ कर ये गाना किसी लड़की के लिए गाए मुमकिन ही नहीं है कि वो रूठे। इनका नेक्स्ट सवाल भी यही है, आपको मोहब्बत हुई है? तो मैं कन्फेस कर लूं सना को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ये हर सिंगर को यही कहती है। लेकिन मुजम्मिल ऑनेस्टली आपने वैसे ही जैसे गिटार आपने लाइक बजाना स्टार्ट किया मैंने कहा शिट अब हम सब के अंदर से ना कोई हमारे अंदर से ना कोई हंगामे सूरत हाल के लिए बड़ा कंट्रोल किया है, बड़ा कायना तो उस दिन तो टेबल पे चढ़ गई
नहीं सीरियसली माशाल्लाह बहुत टैलेंट है और बहुत अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म किया. थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें आपने ये सब चीजें दिखाई और आप बहुत क्यूट है. कहाँ से आया ये सारा शौक? एग्जैक्टली शौक वैसे बचपन से था. गिटार लिया जब मैं मैट्रिक में था, बजाना शुरू बहुत लेट शुरू किया क्योंकि मैं लेके रख लिया था लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं बजाना सीख नहीं रहा था. फिर कोई एक साल बाद मैंने सीखना शुरू किया, अभी तक मैं सीख रहा हूँ. अच्छा फैमिली यूट्यूब टीचर थे आपके? यूट्यूब. अच्छा मैं एक चीज आपकी तारीफ में ऐड करना चाहता हूँ, कुछ होते सिंगर्स और कुछ होते परफॉर्मर्स, सो ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, रॉकस्टार. आई रियली अप्रिशिएट दैट. हाँ मतलब लेकिन मुझे ये पूछना था कि माशाल्लाह वैसे तो आप ओवरऑल बहुत हैंडसम हैं, जैसे कि हमारी एंकर को पर्सन ने कहा. आपको एक्टिंग का वैसे कभी ऑफर हुआ है, शौक है आपको? एक मिनट, ये गाना खत्म हो गया, अभी भी झूम रही है. यकीन माने मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं ये सवाल करूं, बस देखती रहूं मैंने. आप सीरियसली बहुत ही अपना नंबर दे जाएगा सही है, मैंने उसमें ही अपना नंबर ऐड करके. जी हसन बताएं आप. देखिए हमारा अगर ये हाल है तो डेफिनेटली डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी आपको अप्रोच तो करते होंगे ना? मैंने कमर्शियल्स किए. अच्छा मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू मैंने वहाँ पे किया काम, लेकिन काफी टाइम से नहीं किया क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी था. अच्छा मैंने सुना है कि आप सीए कर रहे हैं, सुनते कहाँ से? पहले बताओ, मैं पहले बातें कर लेता मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी फैमिली आपको अलाउ करती है? डिस्टर्ब तो नहीं होती जब आप घर में कर रहे हो? जब मैंने सही दफा गिटार लिया था, मेरे अम्मा अब्बा दोनों जाना बहुत इस्लामी टाइप के, तो मेरे बड़े मसले हुए थे शुरू में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा शौक है, शौक किया था, रखा हुआ है तो सही है. लेकिन बड़ी बात है अर्शद सर, सीए मतलब बहुत बड़ी बात, इतनी मुश्किल पढ़ाई. एग्जैक्टली आपको टाइम कहाँ मिलता है कि आप ये सब चीजें? जो मैंने गिटार सीखा हुआ है ना, ये मैंने सीए शुरू करने से पहले का सीखा हुआ है, उसके बाद मैंने समझा थोड़ा बहुत ग्रूम अप हो गया हूं, लेकिन मजीद सीख नहीं सका चीजें. किससे इंस्पायर्ड? किससे? मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद है. अच्छा आपके एक पर्सनल सवाल, आपके पेपर्स कितने क्लियर हैं सीए में? मेरे 7 पेपर्स बाकी हैं. बाकी है? अच्छा मैं अब क्योंकि आपकी प्ले टाइम में बहुत लंबा क्योंकि आपकी प्ले एंटरटेनमेंट की वजह से आपको यहाँ पे मौका मिला, इस प्लेटफॉर्म में आपने परफॉर्म किया और अब आपके यकीनन बहुत फैंस होने वाले हैं. खासतौर पे मेरी जितनी दोस्तें मैं जानती हूँ ना, वो तो सब आपकी फ़ैन होने वाली हैं, मुझसे कहने वाली हैं दोबारा बुलाएं दोबारा बुलाएं. लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अपनी फीमेल फैंस के लिए अभी से ही जो आपकी बन चुकी है, आप इंगेज्ड हैं? मतलब सवाल लड़के और लड़कियाँ हमसे रबता करें. आप ही सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि आपका दिल टूटा है, सबसे पहले तो आप मास्टर हैं. तो नहीं नहीं प्लीज बताएं, मुझे बताएं आपके एम्स क्या है, गोल्स क्या है सीए अगर आप साथ साथ कर रहे हैं, माशाल्लाह सर आपको कामयाबी दे. तो सिंगिंग और सीए क्या तुमने बोला था ये सिंगल हो कहाँ से? आपके पास सिंगिंग है और सी है तो व्हाट यू हैव टू चूज, व्हाट विल यू चूज? उन्होंने बताया तो अभी मैं दोनों लेकर चलूंगा, साथ तो लेकर चलेंगे, बट ऑन अ सीरियस नोट अगर बस दो ही ऑप्शंस हैं, अगर सीए क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं सिंगिंग चूज कर लूंगा. लेकिन आपको लाइव परफॉर्मेंस की है आपने एंड यू आर वेरी गुड परफॉर्मर राइट? अच्छा मैं इसका जवाब यूनुस आपको देना चाहूंगी, वो ये है आपने कहा आपको दोनों चीजों में से एक चीज चूज करेंगे, मुझे ये बताएं आपके सोचना ही क्यों है? अगर आप ये ठान लेंगे मुझे दोनों चीजें साथ करनी है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों चीजें साथ ना हो, कोशिश करने वालों की हार नहीं. साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, आपको मैं इसकी थ्योरी दे सकती हूँ साइंटिफिकली. हम नेक्स्ट पे बात करेंगे. अच्छा मैं एक एग्जांपल दूं,
मेहदी मालूम आपने नाम सुना है, वो CSS ऑफिसर है, वो साथ में गाना बजाता है गिटार। एग्जैक्टली। अच्छा मेरा एक छोटा सा एक मासूम सा जवाब मिल गया वैसे। मासूम सा एक सवाल है कि जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं तो कोई रिक्वेस्ट करता है कि आप जरा थोड़ा सा प्ले करके दिखाएं तो बहुत महफिल में भी ऐसा होता होगा जब पैसे मांग लिया हम दोबारा कभी कभी मांग लेता हूँ लेकिन मिलते कभी नहीं है मांगने के लिए। दोस्तों का क्या रिएक्शन है सिंगिंग पे? हल्का लेते हैं दोस्त? मोस्टली हल्का लेते हैं, बहुत ज्यादा हल्का लेते हैं। इसे क्या जो कुछ दोस्त के ग्रुप्स हैं जो बहुत हल्का लेते हैं, कुछ है जो बहुत मशीन करते हैं। लेकिन मुजम्मिल हमने आज आपकी तारीफ किया कि लुक्स की तारीफ की, आपकी ये जो खूबसूरत सी स्माइल है, आपके टैलेंट की, और आपने खुद बताया कि आपने कमर्शियल भी किया, तो अल्लाह आपको कामयाब करे। आप चाहे बेशक आप CA पे कॉन्स्टिट्यूट करें या म्यूजिक पे करें, हो सकता है कि जैसे आतिफ असलम एक निजी चैनल पर आए थे और वो वहाँ पे गा रहे थे और लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, एग्जैक्टली कुछ सालों बाद प्ले टीवी का यही क्लिप लोग दिखा देखे उसी टाइम गाना। आपको क्या लगता है ग्रोथ क्या कर रही है इंडस्ट्री हमारी, ग्रोथ करेगी आगे जाएगी क्या होगा? अभी तो मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन रैप जो कुछ ज्यादा आजकल उस पे लेकिन मैं मतलब है फ्यूचर है सिंगर्स का अगर कुछ लोग नए आ रहे हैं प्रोफेशनली? बिल्कुल है, क्योंकि अलग तरह के म्यूजिक आ रहा है, वो पुराने उससे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच के म्यूजिक बनाने लगे हैं, जैसे शमून इस्माइल और इस तरह के और सिंगर्स। कोक स्टूडियोस भी अगर आप कोक स्टूडियो बेहतरीन, मैं कोक स्टूडियो बहुत फॉलो करता हूं। बिल्कुल न्यू प्लेटफॉर्म बहुत सारी बिल्कुल टेक्सी बैटल ऑफ द ब्रांड्स लाइक अच्छा एग्जैक्टली न्यू टैलेंट को बहुत वो सपोर्ट करते हैं और बहुत चांस देते हैं। नहीं बिल्कुल, न्यू कमर्स को कैसे मोटिवेट करोगे कैमरे को देख के कि क्या क्या हर्डल्स हैं, किस तरह आना चाहिए? बस लगे रहें और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, तनकीद करेंगे, रोकेंगे कि नहीं करो, मतलब सही नहीं गा रहे, सही नहीं कर रहे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा मुजम्मिल आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, और हम सब यही चाहते हैं क्योंकि ब्रेक का वक्त जो है वो आ गया है, ब्रेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम सब चाहेंगे कि आप आखिरी जो है वो एक गाना गुनगुना आदत होना चाहिए और हमारी तरफ से बेस्ट गुलाबी आंखें। ओ नाइस, मौके की मुनासिबत से गुलाबी आंखें, वैसे कत्थई आंखें भी कर सकते हैं आप। ओए होए गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको वो मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे आब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का गा, मैं कहीं का नारा क्या करूं मैं दिल रुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल बन गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ बड़ा ही एक टैलेंटेड जो है वो सिंगर था। इसी तरह से अगर आप भी अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं तो आप भी हमारे यहाँ शो में जो है वो हमारा यहाँ पर आकर हिस्सा बन सकते हैं, प्ले का हिस्सा बन सकते हैं। और जैसे कि लास्ट शो में मैंने ये बात कही थी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक स्टोरी ला रही हूँ, जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला शो देखा होगा उसमें मैंने एक लाइन भी कही थी, वो ये थी कि क्या सिर्फ और सिर्फ जो ऊँची हील्स होती हैं वो क्या सिर्फ फीमेल्स पहनती हैं? आप लोग बताएं। नहीं नहीं, पुराने जमाने में मेल्स पहनते थे, मेल्स के लिए बनी थी। हाँ क्योंकि मैं अब बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि क्योंकि बड़ी एक पंचिंग लाइन में कहकर गई थी, जिन्होंने गूगल करना था वो गूगल कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ओवरऑल जो स्टोरी है वो सब पावर की है,
इट्स डिपेंड ऑन पावर कि किसके पास पावर रहता है और किसके पास पावर नहीं रहता. हम एक थोड़ा सा ना फ्लैश बैक पे जाते हैं और आपको बताऊंगी 10वीं सदी के हवाले से. यानी कि 10वीं सदी में जब बादशाहत का दौर था उसमें जो पहली बार हील्स बनी थी वो थी मर्दों के लिए और वो फौजियों के लिए बनी थी और ख़ास तौर पर जो घुड़सवार होते हैं जिनको तीर चलानी होती है ना निशाने के लिए उनके लिए वो हील्स बनी थी. क्यों बनी थी? क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता था कि अगर छोटा सा एक सवाल है, पेंसिल हील बनी थी या मतलब एजेस वाली कैसी हील्स बनी थी? लड़की वाला डिटेलिंग डिटेल्स में जाती है. ऊंची हील्स बनी थी, ऊंची हील्स थी वो. तो वो ऊंची हील्स मर्दों के लिए स्पेशली बनी थी ताकि वो जो अपना तीर कमान से निकालते हैं वो अच्छी तरह से निकाल सके. और उसके बाद ये एक 10वीं सदी में इतना ज़बरदस्त सा ये एक ट्रेंड चला जिसमें जो बादशाह थे, इफ़ आई एम करेक्ट, मैं अगेन कह रही हूँ, लुविस उनका नाम था, उन्होंने क्या किया कि वो इतना ज़्यादा मुतासर हुए इस चीज़ से, इतना ज़्यादा मुतासर हुए के फौजी और जो घुड़सवार थे सिर्फ वही जो है वो ऊंची एड़ी की जिसे कहते हैं आप जूते कह दें या चप्पल कह दें तो वो उस तरह के वो पहनते थे. बादशाह ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, एक कानून पास किया. उन्होंने कहा कि भाई ये जो ऊंची एड़ी का फैशन है वो क्यों फौजियों के लिए और घुड़सवारों के लिए, क्यों ना वो पावर की, क्योंकि बात सिर्फ पावर की है, उन्होंने कहा क्यों ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दरबार तक महदूद हो. तो उन्होंने क्या किया कि जब वो दरबार में होते थे तो वो स्पेसिफिक जो है रेड कलर की वो ऊंची हील्स पहनकर वहां आते थे. और उस कानून में लिखा हुआ था कि रेड कलर की और ऊंची हील्स किसी और को दरबार में पहनना अलाउ ही नहीं है क्योंकि बात सिर्फ पावर की थी. अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस बात में वो ये है कि उस जमाने में 10वीं सदी की ज़माने में जो ख़वातीन थी उनको बड़ा एक होता है ना शौक़ था उनको बहुत ज़्यादा कि वो जो मर्दों के फैशन है वो अटैम्प करें और वो भी पहने. उस टाइम पर 10वीं सदी की अभी भी है बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ख़ास तौर पर जो है वो, खैर छोड़े मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी तो मैं उसी पर आती हूँ. फिर एक तजाद हो जाता है, आप अगर मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी वाला एक डायलॉग भी करें तो फिर लोग आपको ही तनकीद करने पर आते हैं. इसीलिए मैं भी बताऊँगी कि उस ज़माने में 10वीं सदी में ख़वातीन जो थी उनको बड़ा शौक था कि वो मर्दाना लिबास पहने और मर्दाना जो खास तौर पे जो हील्स थी वो भी पहने. उसके बाद ख्वातीन ने क्या किया कि ख्वातीन ने वो फैशन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया. उसके बाद अच्छा वो बादशाह ने तो कह दिया था कि भाई वो दरबार में कोई ना पहने और रेड कलर की तो कोई ना पहने वरना उसको सजा मिलेगी, इतना क्योंकि वो पावर के ऊपर था ना. उस जमाने में जो भी हील्स पहनता था उसको ये माना जाता था कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसके पास ताकत है सबसे ज्यादा, मतलब इतना लोग क्रेजी थे सिर्फ और सिर्फ ऊंची हील्स के लिए. उसके बाद 17वीं सदी के पास आ जाए, मतलब आपने 7 सदियां गुजार कर ये इसी तरह से ख्वातीन और मर्दों के दरमियान एक जो है वो जंग चल रही थी इसके बाद हील्स को लेकर, पावर को लेकर बेसिकली. तो इसके बाद जो है वो 17वीं सदी में क्योंकि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो मर्दों के जो फैशन है वो अटेम्प्ट करें. उसके बाद तमाम तर जो ख़वातीन थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऊंची हील्स पहनना शुरू कर दी ख़वातीन ने 17वीं सदी से. तो उन्होंने ये जब शुरू किया तो मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को इस पर पज़ीराई मिली, मतलब लोगों को ख़वातीन पर वो चीज़ अच्छी लगने लगी जो कि मर्दों में एक टैबो लग रहा था कि मर्द क्यों रेड कलर की चप्पलें पहन रहे हैं, तो ख़वातीन पर ये सूट करने लगी. उसके बाद वहाँ के जो 17वीं सदी के बादशाह थे उन्होंने दरबार में एक और ऑर्डिनेंस पास किया, उन्होंने कहा कि जो मर्द हैं वो सादगी में ही अच्छे लगते हैं ना कि रेड कलर की जो हील्स होती है उसमें अच्छे लगते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें मर्द जो हैं वो इस तरह के जो कलर्स होते हैं ख़ास तौर पर रेड कलर या ब्लू, डार्क ब्लू कलर्स, पिंक, पर्पल को तो ख़ास तौर पे ही टारगेट करते हैं, इसके बाद इस तरह के कलर्स जो है वो मर्द हजरात ना पहने और ख़वातीन. तो बात ये है, इसका कॉन्क्लूजन ये है कि कभी भी ज़िंदगी में पावर एक के पास नहीं रहता. अच्छा, मुझे सना की पूरी बात जो समझ आई है, मतलब हील्स का तो मुझे चलें कॉन्सेप्ट समझ आ गया. अब कोई बात कर रहा होगा, आप गैदरिंग्स में बैठते हैं, इस शो की बदौलत तो वैसे भी मुझसे आजकल लोग पूछते हैं कि इसका मतलब बताएं, उसका मतलब बताएं. उस टाइम तो इतना प्राउड मोमेंट होता है, अर्शद सर थैंक्स टू यू, थैंक्स टू बॉस एंड थैंक्स टू क्ले एंटरटेनमेंट. लेकिन मुझे लगा डोमिनेटिंग, अगर पावर से ज़्यादा देखा जाए तो डोमिनेटिंग, एक बादशाह बोला कि मुझे सब पे ना हुक्म, क्योंकि वो लीडर था, तो उस डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का ये कॉन्सेप्ट कि रेड हील्स. तो उसके बाद जो चेंज होते ना, लेकिन मुझे तो अभी भी लोगों के अंदर ये लगता है कि रेड हील्स हो या जूते हो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स का भी शिकार है. अगर देखा जाए, मैं फिर बात वही करूंगी,
मतलब टैलेंट की हो, सलमान सर, सलमान खान, उसको उनको बहुत बड़ा एक्टर माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो जब कैटरीना कैफ के साथ मूवी कर रहे थे तो कहा जाता था कि उन्हें सेट पे डांट पड़ती थी सिर्फ इस वजह से कि उनकी हाइट का मसला हो रहा था, तो वो बाकायदा इतने इतने पंप यूज़ करते थे, जूते इतने इतने पंप यूज़ करते थे, उनके जो डिज़ाइनर्स थे, जो वार्डरोब डिज़ाइनर थे और जो मैनेजर थे, बाकायदा वो सीन्स नहीं करते थे, जैसे कोई सीन आ रहा है, मैंने देखा भी है कि वो अक्सर, उन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में भी हंसते हंसते कैटरीना कैफ ने कहा कि कितनी बार मेरी जो पाँव है, मतलब मैं हील्स कैरी करती तो हील्स उतरवा देते थे और मैं ऐसे नंगे पाँव सीन कर रही होती थी। मतलब अच्छे ऊपर पूरा गॉन तो ये है, लेकिन डोमिनेटिंग कॉम्प्लेक्स, और अभी भी ये कॉम्प्लेक्स हमारे मर्दों में भी नज़र आता है, और मुझे लगता है अगर आप कोई चीज़ कैरी कर सकते हैं डजंट मीन दैट, लेकिन कहीं ना कहीं हम कल्चर को ना देख के कि औरतों पे हील्स, अब अगर मर्द हजरात चूड़ियाँ पहने, कंगन पहने, तो उन पर सूट नहीं करेंगे। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने जो ये कंगन भी पहना होते हैं, ये पहनते थे और ये अपने तक रख लेते थे। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि इन लेट, मतलब मैं बोल रहा हूँ 10-12 सदी पहले, पर्पल कलर जो था ना, ये सिर्फ रॉयल्स का कलर था, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एट दैट टाइम। जैसे एक था वाटरमेलन, ये बड़ा एक रॉयल फ्रूट था, तो ये ऐसी ऐसी चीजें लोग अपने पास रख लेते थे, बाकी जो कम होता था, आपकी डिमांड बढ़, सप्लाई बढ़ गई है, इस वजह से वो मासेस के पास जाता है। एक में कहानी आई दिमाग में बादशाह की, कि एक बादशाह थे, उनके देयर वाज अ रोड टू हिज किंगडम, उस रोड पे पत्थर पड़ा हुआ था और उधर बहुत सारे घोड़े आते थे, वो मर जाते थे, टकरा के मर जाते थे, और ऐसी बहुत सारी जो व्हील कार्ट्स होती थी, तो किसी का टायर टूटा और वो गिर गया, तो एक छोटी सी बच्ची थी अपनी फैमिली के साथ जा रही थी वहां पे ट्रेड करने, तो उनके पास कुछ लिक्विड थी, चीजें थी, पीने वाली चीजें थी, तो टकराई और वो सब जाया हो गया, और उसके माँ बाप है वो, क्योंकि बस खाने के पैसे नहीं, सर्दी अलग, और बैठे वहां पे वो रो रहे रो रहे रो रहे। बेटी ने, जो बेटी थी छोटी सी 7-8 साल की होगी, उसने नोटिस किया ये पत्थर है, इसकी वजह से यहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं, हमारा भी नुकसान हुआ, मैं इसको हटाऊंगी। तो पत्थर के पास गई, खोदा खोदा उसको, क्योंकि वो अंदर की तरफ था, खोद खोद के उसके हाथ खूनम खून हो गए, और उसके एंड में पत्थर के तब उसने निकाला तो एक बैग था जिसमें गोल्ड के कॉइंस थे, और उसमें एक लेटर था फ्रॉम द किंग के, ये गोल्ड उसके लिए है जो अपनी किंगडम के लिए सोचता है, जो दूसरों के लिए सोचता है। सेम गोज कि अगर आप अपने लिए सोचते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, आपके एक सेल्फिश एक्ट से बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो जाता है। तो एट टाइम्स में कहने का मकसद ये है कि कभी भी कोई चीज हो, एज एन ऑडियंस, अगर आप किसी अपना यूनिट में भी इसमें थोड़ी सी बात ऐड करूंगी कि जब हम किसी की मदद करते हैं या हम किसी को सपोर्ट करते हैं, मॉरल सपोर्ट या वैसे भी नॉर्मली भी हम सपोर्ट करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते भी खोलता है। तो जैसे कि हम सोचते हैं कि सिर्फ अपने लिए ही सोचें और किसी के लिए ना सोचें, तो आप सोचेंगे कि आप वहीं के वहीं खड़े रहें, कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सोच से मुझे ये याद आया कि ये जूते नहीं है, ये तो उस दौर का BMW है, लाइक सीरियसली, मतलब कभी कभी पुरानी सदी पूछनी है, ये इतनी तकलीफ दे चीज इन्वेंट किसने की? नहीं, और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मर्दों के लिए की थी तो मर्द को, यानी आप लोग सोचे ना कि कितना तकलीफ देना चाहते थे पिछले डिजाइनर्स भी, कि यानी देखा जाए तो ये मर्दों के ऊपर एक वो था, क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट था, क्या प्रेशर दे इतने मोटे मोटे हील्स क्रिएट कैसे किया, और वो सोच अकड़ कैसे नहीं चलते होंगे, समझ नहीं आती। अर्शद साहब, मुझे इसका जवाब चाहिए, इनसे ले लेते हैं कि क्यों औरत मर्द को कॉपी करना चाहती है, क्यों कपड़े हील्स, अगर जैसे हील्स का मुझे पता चला कि फैशन असली छापिस्तान तो औरतें ये आप उनसे पूछे जो नारे लगाती है। नहीं, मुझे तो आप इमेजिनेशन पे जाए ना, मैं तो वैसे भी इमेजिन कर रही हूँ बादशाह सलामत आ रहे हैं, रेड हील्स, टक टक टक, लेट 1800s में, अगर मैं वहाँ खातून हूँ तो मेरी हंसी बंद ना हो रही है। लेट 1800s में जो ब्रिटिश की खवातीन थी उनको अलाउ नहीं था टू वेयर ट्राउजर्स, यू नो दैट, तो वो यूएस गई हैं, जब वो दूसरे कंट्री जाती थी, तो वहाँ पे अगर कोई लड़की जो ब्रिटिशर है वो ट्राउजर में होती थी, लोग कहते थे ये कैसे हो रहा है, आपको अलाउ कुछ नहीं किया, तो वो क्यों ट्राउजर बना मर्दों के लिए, औरत को कॉपी करना है, क्यों क्यों क्यों, व्हाई, जवाब चाहिए मुझे, जी बताएं, हेलो हेलो अर्नब गोस्वामी, मेरी बात सुने, नहीं नहीं इनके लिए क्या, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आई थिंक ये हील्स के जो चक्कर है, ये
जिसने भी बनाया है वो अजियत के लिए ही बनाया है। हाँ। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो क्यों बनाया। लेकिन अर्शद सर हम गर्ल्स होके हील्स ना कैरी नहीं कर पाती, समटाइम ऐसा होता है ऊंची हील्स होती है तो पांव फिसल जाता है, गिर जाते हैं। सोचते हैं बादशाह सलामत, क्योंकि इस दोनों इंफॉर्मेशन में तो यही समझ है कि बादशाह सलामत की ही। अरे मोटी हील बनानी है, पेंसिल हील जिसने इजाद की, जिसमें बाकायदा बेचारी। मैंने एक हील देखी है जिसमें आप लड़की का पांव यूं है एंड पूरा रानी के ऊपर रश हो रहा है, बादशाह सलामत गिर रहा है, उसकी बोल रही जूते अच्छे मुझे पहने। मजे की बात ये कि लड़कियों में आई मीन तकलीफ हो रही होती है, कमर भी दुख रही, पांव भी दुख रहे हैं। यार मेरा तो ये मानना है जी फैशन को लेके, अगर आप अगर आप समझते हैं कि आप खूबसूरत हैं तो ये हील्स कलर्स ये वो कैरी करना फलाना करना छोड़े, आप बहुत खूबसूरत हैं, हील्स वील्स के चक्रों में ना पड़े, पेनफुल रहता है काफी। अच्छा साहब ये लड़कियां नहीं मानती इस बात नहीं, और जाते जाते और जाते जाते मैं दे ऑलवेज वांट मोर 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 मोर। नहीं यूनुस आपकी इसी बात पर मैं डिनाई करती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम हील्स पहना को हील्स पहना को। मैं जाते जाते खूबसूरत बात, क्योंकि इस टॉपिक का मकसद भी अगर ओवरऑल देखा जाए, हमने मजाक भी किया, हम संजीव जी के साथ बात भी कर रहे थे, लेकिन अगर आपकी हाइट शॉर्ट है, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए। Exactly. कोई टॉल है ना वो उसकी गलती है, वो टॉल है। Be comfortable in your own skin. So इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आई होप कि आज का टैलेंट आपको बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि आज हमें तो बहुत मजा है। आज का एपिसोड तो मैं क्लिप्स निकाल निकाल के खुद ही मीम्स बनाने लग जाऊंगी खुद ही मीम्स बनाने लग जाऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड इसलिए भी मेरे लिए स्पेशल था और हम सबके लिए स्पेशल था, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर अर्शद सर अर्शद मलिक हमारे साथ थे, हमारा एक स्ट्रॉन्ग पिलर हमारे साथ था। अनम नहीं थी, अनम हमें आपको बहुत मिस किया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको जो है जल्दी से सेहत याब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह गपशप को दीजिए प्यार और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहिए आपकी, क्योंकि गपशप में हम सब होते हैं और हम सब आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।